कैमरा 24 खबरों पर पैनी नजर। शिवपुरी जिले के पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर एक बार फिर विवाद हुआ है। बीती रात डंपर चालक और टोल कर्मियों के बीच विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक बात पहुंच गई। विवाद के बाद डंपर चालकों द्वारा टोल पर पथराव कर दिया गया, जिसमें दो कर्मचारी घायल हुए हैं। यह पूरा विवाद टोल नाका पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। फिलहाल टोल अधिकारी ने घटना की शिकायत कोलारस थाना में दर्ज कराई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। कोलारस से मोनू प्रधान की रिपोर्ट। दो व्यक्ति इंजर्ड होके, मामूली इंजर्ड होके यहाँ थाने पे आए थे। रात में मेरे मामला संज्ञान में आया था, तो अभी तो अपराध पंजीबद्ध नहीं किया। उनके कहना है कि पत्थरबाजी की है, पत्थर वगैरह फेंके हैं। सीसीटीवी फुटेज हमने मंगवाई है, सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करेंगे। उसका मेडिकल वगैरह हमने करा दिया है। सर कितने लोग थे अभी जो हमारे पास जो शिकायत करने आए थे? वो दो लोग आए थे, साथ में उनका स्टाफ था। और इनका कहना है कि चार पाँच छः लोग इकट्ठे वहाँ गाड़ी गाड़ी से उतर के उन्होंने वहाँ झुमा झटकी करी है। तो सीसीटीवी फुटेज हम निकलवा लेते हैं, उसके बाद में कार्रवाई कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ? डेली कोई ना कोई नया विवाद हो रहा है, क्योंकि अभी इस रोड पे नया टोल टैक्स खुला है। यहाँ के संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे कोई व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, वहाँ उनका गाड़ियों का निकलना निकलना होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी आदत नहीं है। अभी उन्होंने जो लोकल MP 33 के जो व्हीकल्स हैं उनको आदत उन्होंने किया है उसका। तो और भी कुछ समस्याएं लोगों की हैं, वो हमने नोट की हैं। आज हमने मीटिंग भी रखी है, तो आज ट्रांसपोर्टर्स वगैरह जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ अपने जो मैसेज है वो उनको हम कन्वे करेंगे।